दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ऊना में खैर तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शनिवार सुबह वन विभाग की टीम ने खैर की लकड़ी से लदी जीप पकड़ तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तस्कर टीम को देख गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। वन विभाग की शिकायत पर अम्ब पुलिस ने लकड़ी सहित जीप को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि परिक्षेत्र अधिकारी के दिशा निर्देश पर वन विभाग की एक टीम क्षेत्र का दौरा कर लौट रही थी कि नंगल चरियाला बेट के तहत आने वाले हवाल गांव में सोमभद्रा नदी के पास जीप चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। जब टीम ने जीप की तलाशी ली तो उसमें 11 मोचे खैर की लकड़ी के लदे थे। टीम ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को देने के साथ ही पुलिस को सूचित किया, जिस पर अम्ब पुलिस ने जीप को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हम अपने वन क्षेत्र अधिकारी के दिशा निर्देश के मुताबिक नाइट रेल पर थे रात को इसी एरिया में जी, और सुबह 6:30 का टाइम हुआ तो हमने एक गाड़ी खड़ी देखी जी। तो जब हमने और किसी आदमी को भागते हुए देखा, उसके बाद हमने जब गाड़ी के पास आई, गाड़ी के शीशे वगैरह बंद थे, जब चेक किया तो उसमें खैर की लकड़ी पाई थी। खैर के मोचे हैं? हाँ जी। सर कितने होंगे? 11 मोचे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए घनारी से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट। जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेड़ा अपर में बी फार्मेसी के लिए दाखिला शुरू हो गया है। कॉलेज संस्थापिका चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री हेतु 60 सीट्स का प्रावधान है, जबकि डीडीएम कॉलेज में इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में शुरू किया गया है, जिसमें मैट्रिक पास विद्यार्थियों हेतु 60 सीट्स का प्रबंध है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पीसीआई से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र के फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है।